तो हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश। सो हेलो ब्यूटीफुल टॉरस पीपल। सो चलिए हम देखते हैं आपका जुलाई मंथ कैसा जाने वाला है। क्या मैनिफेस्टेशन आपकी ग्रांटेड होगी एंड विश मैनिफेस्टेशन भी देखेंगे। क्या ब्लेसिंग इस वीक आने वाली है। ऑल्सो हम एंजेलिक मैसेज एंड डू नक्षत्र ओरेकल मैसेज भी देखेंगे और नक्षत्र ओरेकल डेक भी हम यूज़ करेंगे। सो चलिए देख लेते हैं और क्या एडवाइस आपको फॉलो करना चाहिए हम वो भी देखेंगे कि टोरस पीपल को क्या एडवाइस भी फॉलो करना चाहिए। ऑल्सो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको एक न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट या फिर एक मोबाइल न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट या आप टेरो रीडिंग में यस नो की रीडिंग करवा सकते हो। तो तीनों में से कोई भी गिफ्ट आप रिवील करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। ओके, सो आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना और एक अच्छा सा कमेंट बिलो में आप कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टोरस पीपल का जुलाई मंथ 2023 का कैसा जाने वाला है। द फर्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ वैंड। द डेविल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। एंड सिक्स ऑफ कप। ओके, सो ये वीक, ये जो मंथ जुलाई का जो अपकमिंग आने वाला है, इसमें आपको कुछ ऑफर लेटर मिल सकता है। मे बी आप जॉब सर्चिंग कर रहे थे या प्रमोशन चाहते थे या समथिंग कुछ मिलने वाला है। मे बी आपका बर्थडे जुलाई में आता, तो समथिंग कुछ गिफ्ट मिलने वाला है या पास्ट में से कोई आपसे मिलने आ सकता है। हो सकता है पास्ट फ्रेंड आपसे मिलने आए जिसके कारण आप सेलिब्रेट करो। ऑल्सो आपका सोसाइटी में नेम फेम भी बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड ये जो मंथ है जुलाई का, ये थोड़ा फियर ऑफ चेंजेस का रहेगा। मे बी आप कुछ चेंजेस करने से आपको फियर है कि मैं करूं या ना करूं, कैसा रहेगा। मतलब एक आप एक स्टेबल या कंफर्ट में होंगे, सो आप नहीं चाहते कि उससे आप बाहर निकल पाओ, राइट। सो ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण कुछ चेंजेस का आपको रहे फियर। ओके, एंड ये जो मंथ रहेगा मुझे दिख रहा है कि स्ट्रगलिंग का है, बट स्ट्रगलिंग का जो आउटकम है वो थ्री ऑफ कप्स है। मीन्स आपको सेलिब्रेशन मिलेगा जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी आप है ना यू नो इफर्ट्स कर रहे हो, उसका रिजल्ट फ्रूटफुल रहने वाला है। एंड ये वीक, ये जो मंथ है आपका, ये जो मंथ रहेगा उसमें आपको अपनी स्पीड पर वर्क करना पड़ेगा क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स है। सो आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना है, राइट। आपको अपनी स्पीड तेज कर लेना। मे बी आप अपनी स्पीड को स्लो कर रहे हो या आप थोड़े लेजी हो रहे हो मे बी, राइट। सो उसके लिए आपको स्पीड इंक्रीज करने की ज़रूरत है। एंड इन देखा जाए तो इन अपकमिंग मंथ में आपको बहुत अच्छा ब्लेसिंग मिलने वाली, तो इस एनर्जी को आप क्लेम करना, राइट। तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है रीडिंग के थ्रू। एंड अब देख लेते हैं कि क्या आपको एडवाइस फॉलो करना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपके मैनिफेस्टेशन कार्ड देख लेता हूँ कि क्या मैनिफेस्टेशन के क्या आपके स्टेटस है, आपको क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या स्टेटस है, कब आपको मिलेगी। ओके, डेफिनेटली तीनों कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। देखो एम्परर कार्ड क्या शो करता है कि आपको पेशेंसली वेट करना है। आप पेशेंसली वेट करोगे डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। चेरियट मीन्स मूवमेंट, सक्सेस मिलने वाली है। इन कबालिस्टिक टेरो में हम देखते हैं कि सेवन नंबर इस उनको
सक्सेस का भी कार्ड माना जाता है चैरियट को, राइट? सो बिल्कुल मोमेंट होने वाली है और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, बट आप पेशेंसली वेट करो, ओके? एंड यस, न्यू बिगनिंग होगी आपकी स्टार्ट, ओके? उन दोनों कार्ड मेजर अरकाना के, तो डेफिनेटली मैसिव चेंजेस कमिंग एंड ऑल विश आपकी कम पूरी होगी जो वैलिड है, राइट? सो अब देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आएगी इस जुलाई मंथ 2023 में, ठीक है? सो देख लेते हैं टोरस वालों को 2023 जुलाई मंथ में क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स एज अ ब्लेसिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। नाइट ऑफ वेंड, ओके, एट ऑफ सोर्ट, ओके, एट ऑफ सोर्ट एंड एट ऑफ वेंड आया, ठीक है? सो आपको एंजाइटी हो रही थी, कुछ एंजोमिया था, एंड मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको फियर ऑफ चेंजेस भी था किसी चीज का, कि फियर ऑफ चेंजेस था, मतलब कि चेंजेस से आप थोड़ा फियर या हैगा, तो वो चीज़ रिमूव होते हुए दिख रही है एज अ ब्लेसिंग। जो आपको एंजोमिया था, नाइट इशू था, या आपको स्लीप डिसऑर्डर था, ऑल्सो आप किस चीज़ में स्टक थे, उस स्टक से बाहर निकलने वाले, और वो स्टेगनेंट एनर्जी होगी फास्ट एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली। कुछ पास्ट से कुछ प्रेजेंट में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। ऑल्सो आप पैशनेट, आपका काम के प्रति आपका पैशन, एक फायरली एनर्जी इंक्रीज होती हुई भी मुझे दिख रही है। तो पास्ट यानी जिस चीज़ से आप स्टक थे, नेगेटिव सिनेरियो था, उस स्टक स्टेगनेंट एनर्जी से आप बाहर होते हुए मुझे दिख रहे हो, और एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि एट ऑफ वेंड को एज बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट? एंड कुछ पास्ट से तो डेफिनेटली कुछ आने ही वाला है, मे बी फ्रेंड, मे बी समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ आएगा, राइट? तो चलिए देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइड कर रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज रोमांस, सक्सेस। इस कार्ड को तो जरूर से आपको क्लेम करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज, द सिचुएशन विल चेंज, ओके? लुकिंग फॉर अ साइन, ठीक है? सो आपकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज होने वाली, एक पॉजिटिव चेंज होने वाला है, और आपको सक्सेस की तरफ आप बढ़ रहे हो। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी वाइब्रेशन डेवलप होगी जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, और जो जिस सिचुएशन या स्टक स्टैग्नेंट एनर्जी में हो, तो वो सिचुएशन बिल्कुल चेंज होने वाली है। आपकी एनर्जी मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है, मुझे रीयूनियन, आप पार्टनरशिप कर सकते हो, ठीक है? एनी पार्टनर मिल सकते हो, जिससे आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, उससे भी आपका मीटअप हो सकता है। आपकी ओवरऑल एनर्जी, इंग यंग यानी मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी भी बढ़ती हुई मुझे दिख रही, मतलब बैलेंस आउट होते हुए। लुक फॉर अ साइन, ठीक है? आपको एक साइन देखने की ज़रूरत है, मतलब आपको 111 दिख रहा होगा, 999 दिख रहा होगा, 555, 111, 222, 000, कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। उस चीज़ पे आपको ध्यान देना और उस साइन को देखो, आपको उसका, उससे ही आपको आंसर मिलेगा। कॉम्प्रोमाइज, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस आउट बिठाने की जरूरत एट प्रेजेंट, राइट? इन तो जुलाई मंथ में, ठीक है? सो ये कीजिए, आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अब देख लेते हैं डू नक्षत्र ओरेकल डेक से कि क्या मैसेज आ रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की, एंड सेकेंड कार्ड ओके
सो ये टाइम है आपका, ये जो मंथ है जुलाई मंथ का, इस टाइम में आपको कुछ बैड हैबिट एंड कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जो टॉक्सिक है, उस सब को बाहर आने की ज़रूरत है, राइट। और अब उसको टाइम ज़्यादा नहीं देने, कुछ भी बैड हैबिट हो सकती है तो वो उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, कट ऑफ करने की ज़रूरत है। एंड सेकेंड कार्ड, फोकस अपॉन द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड पावर, आपको अपनी खुद की एनर्जी एंड पावर पे फोकस करना है, आपको नेगेटिव चीज़ में अपनी पावर को लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, या जो पीपल आपको हर्ट कर रहे हैं या नेगेटिव सीनेरियो उस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। एंड ये वीक में आप हो सकता है कि कुछ ऐसे पाथ में चले जाओ जो इल्यूजनरी, मतलब आपको लग रहा होगा कि हाँ इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी, पॉजिटिव सीनेरियो, बट हो सकता है कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन ना हो और आप उस पाथ में चले जाओ और हो सके आपको बाद में रिग्रेट हो, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, राइट। एनी जो फर्स्ट कार्ड आया था, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू द वास्ट सी ऑफ नॉलेज, डोंट कॉन्स्ट्रेंट इट, मेक योर माइंड ओपन फॉर न्यू सोर्स ऑफ नॉलेज। सो ये जो आप अपना लिमिटेड बिलीव रख रहे हो, एक लिमिटेड सोर्स तक आप पढ़ रहे हो, सो अपने नॉलेज को कॉन्स्ट्रेंट ना करें, मतलब जो नॉलेज मिल रही हो वो आप ले ना रहे हो, नहीं, आपको नॉलेज में इंक्रीमेंट करते जाना है, गिव अप नहीं करना है, कुछ ना कुछ अपने नॉलेज में इंक्रीमेंट करना है और अपने माइंड को हमेशा ही ओपन रखिए, ठीक है। सो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिलेगी, इनलाइटमेंट भी होगा एंड आप वो सब डिजर्व करोगे जो आप चाहते हो, राइट। सो थैंक यू, ये थी आपकी मंथली जुलाई की रीडिंग। एंड एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखना और ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना। सो थैंक यू सो मच।